क्या बात है दादी, वहाँ इतना परेशान है, रो रही है, वहाँ होना चाहिए। सॉरी, मुझे पता है सब परेशान है, आप भी बहुत परेशान हो, पर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। क्या बात? भाई कहां पर है और कैसी हालत बताओ मुझे, पूरा मुझे बताओ, मेरे भाई है वो, मैं तो फ्री किसी कहां है, किस हाल में, बताओ तो। मिशन थिएटर में बहुत सीरियस है, मौत से लड़कर आ गए, अब जिंदगी के लिए लड़े, लेकिन जस्ट होप कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और वो ठीक हो जाए। दी, ये क्या किया? ये जानते हुए भी कि ये लोग कैसे हैं, लोगों ने क्या किया आपके साथ, आप इनको हमदर्दी क्यों दिखा रही है? और दी, क्या जरूरत थी इनको अभी के बारे में बताने की? दी, इनको यहाँ पे होने का कोई हक नहीं है, दे डोंट डिजर्व टू बी। पूरा पूछो भी है, जैसी भी है इनकी बहन, से हक है जानने का है कि ये कैसे। दी, बहन नहीं है, बहन से ज्यादा तो दुश्मन है उसकी, दुश्मन है अभी की, आपको पता है जो उसकी हालत है ना, ये यही आलिया और तनु की वजह से। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? दी, आपको दी, आप मेरे साथ चलिए प्लीज, प्लीज। तो बताओ कि बात क्या है? ये सब कुछ जो भी अभी के साथ हुआ, जो उसकी अभी हालत है, वो इन दोनों की वजह से। भाई कैसे, डॉक्टर ने क्या बोला? भाई ठीक तो हो जाएंगे ना, सर्जरी हो गई क्या? आलिया और तनु ने कैसे? दी, आपकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल आलिया और तनु ने ही कराई थी, इसमें इस तनु के बॉयफ्रेंड निखिल ने उसका साथ दी, वो उस बंगलों तक पहुंच गया था जहां आप और अभी थे, वहां जाके उसने आपकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी। उसके बाद अभी गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी रुकी नहीं और उसकी ये हालत हो गई, और ये दोनों जो दिखावा कर रहे हैं ना, ये सब बकवास है। मैं नहीं चाहता कि ये अभी की शक्ल भी दिखे, और मैं चाहता नहीं कि इन दोनों की गंदी परछाई अभी पे, इनको बस बोले यहां से चले जाए। दी, प्लीज। भाभी, भाभी बताइए ना, अभी कैसा है? भाभी कुछ तो बत, कोई कुछ बत, आकाश राज भैया आप लोग ही कुछ बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कर, सर्जरी हो गई, अरे कोई कुछ तो बोलो, कोई कुछ बताता क्यों नहीं है यहाँ पर? भाई कैसे है, कोई कुछ तो बताओ। एक्सक्यूज मी, आप ही से बात कर रही हूँ मैं, अंदर जो पेशेंट है उसकी तबीयत कैसी है बताओ मुझे। इस क्रिटिकल, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, डॉक्टर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी, पूछ रहे हैं कि अभी कैसा। अरे बोलो ना ऐसे, जाओ अंदर। आपको दिख नहीं रहा, अंदर ऑपरेशन चल रहा है, मजाक समझ रखा है? अब डॉक्टर सर्जरी छोड़ के आपसे मिलने आएंगे, और आप ये हॉस्पिटल है, इतना शोर मत बताइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये सब काशी अभी, ये क्या तरीका? तुम दोनों इनसे मिलने लायक भी नहीं हो, तुम दोनों की वजह से हुआ है ये सब, तुम लोगों की वजह से आज हॉस्पिटल बेड में लेटे हुए हो। हमने क्या किया? एक शब्द मत बोलना, तुम लोग ना यहाँ खड़े होने के लायक नहीं, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, वरना मुझे तुम्हें थक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। गेट आउट, नो कॉम्प्रोमाइज, चलो यहाँ से, हाथ छोड़ो मेरा प्रज्ञा। पता नहीं दीजिए, फोन नहीं लग रहा है, प्रज्ञा और अभी ऐसा करना है वह, समझ भी नहीं आ रहा दीजिए, मैं ना मैं पूरा लगाती हूँ।
बेटा मैं बोल रही हूँ। पता नहीं वो अभी यार प्रज्ञा का फोन ही नहीं लग रहा है। तेरी बात हुई क्या प्रज्ञा से? माँ वो क्या हो गया? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कोई परेशानी है क्या? सब ठीक है ना? नहीं माँ, माँ अभी का बहुत ही मेजर एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर गई। माँ माँ हम सब उसे यहाँ सिटी हॉस्पिटल में ले आए, ये मुंबई लोनावला हाईवे पे। अभी एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? माँ वो ठीक नहीं है, बहुत ही सीरियस है, ऑपरेशन चल रहा है उसका। डॉक्टर भी कुछ बता नहीं रहे कि क्या है, होश में है या नहीं है, कुछ नहीं पता। माँ दी भी यहीं पर है, आप लोग एक काम करिए, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या कहा पूरब ने? रो जा रही है, बता तो क्या हुआ है? अगला जल्दी बता क्या बात है, क्या हुआ है? अभी उसका ऑपरेशन चल रहा है। छोड़ो मेरा हाथ, प्रज्ञा छोड़ो मेरा, क्या करे, निकल जाओ यहां से। तुम चाहती क्या? अरे तुम क्या चाहती हो? क्या मिल गया ये सब करके तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आता कि एक बहन अपनी भाई के साथ ये सब कैसे कर सकती है। उसी भाई के हाथ में तुम राखी बांधती हो ना उसकी सलामती के। माँ बाप की क्या? किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी उन्हें। और तुम्हें यही लगता होगा ना कि कोई भी भाई अपनी बहन के लिए ये सब करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार। तुम्हारा ये आइडिया था ना, मुझसे शादी कर ली उन्होंने, मुझसे प्यार नहीं करते थे तब। वो किस लिए? तुम्हारी खुशी के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। लेकिन तुम वो सब भूल गई। तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हारे दुश्मन? क्यों अपने मन में बिठा रखा है कि तुम्हारी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम है सब उनकी वजह से? अरे मेरी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम है ना तुम्हारी वजह से। मार डालू तुम्हें, बताओ ना, खून कर दूं तुम्हारा। मैंने हर बार कोशिश की है कि हम सब एक साथ मिलकर रह सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो साथ में रहना ही नहीं है ना। मुझे इनसे अलग करने की कोशिश करती हो, पूरब को बुलबुल से अलग करने की कोशिश कर रही थी। पता भी है तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, भरा पूरा परिवार मिला है तुम्हें, लेकिन तुम सब कुछ बिखेर देना चाहती हो और आज रो रही हो तुम। मैं जानती हूँ बहुत प्यार करती हो तुम अपने भाई, लेकिन ये कैसा प्यार है जो जिद के आगे हार जाता है? वो तब तक प्यार है जब तक भाई हर खुशी पूरी करता, हर बात मानता है। एक बार ना बोलती तो तुम्हारे दुश्मन बन गए वो, उन्हें मारने की कोशिश की तुमने। चलो मेरे साथ जो किया सो किया, मेरे साथ तो कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा। उस इंसान के साथ तो खून का रिश्ता है ना तुम्हारा। यहाँ खड़ी होना जो पहचान, जो वजूद है उस इंसान की वजह से। उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? तुम छोड़ो, तुम्हारी दादी का क्या हो गया उन्हें? प्रज्ञा बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं है, अभी से मिलने आए हम लोग। क्या देखने आई हो? कि वो इंसान जिंदा है या मर गया? और तुम दोनों ये झूठे आंसू मत बहाना उनके सामने जाकर। ये नाटक अब तुम लोगों को खत्म करना होगा। तुम लोग यही देखने आए हो ना कि तुम लोगों का प्लान कामयाब हो गया है फेल हो गया है? बकवास बंद करो। हमें अभी की फिक्र इसलिए देख रहे हैं उसे। क्या फिक्र है तुम्हें उनकी? ये फिक्र है कि उन्हें इस हालत में पहुंचा दिया तुमने। जब वो रो रहे थे तुम निखिल के साथ सेलिब्रेट कर रही थी। इतनी फिक्र है उनकी, इतना प्यार करती हूँ उनसे, उनसे शादी करना चाहती हूँ, तो उन्हें बता देती ना कि जिस बच्चे के लिए रो रहे हैं वो बच्चा उनका है ही नहीं। फिक्र है ना उनकी, तो तब कहाँ थी जब वो अकेले घर में रो रहे थे उस बच्चे के लिए जो उनका था ही नहीं। साथ देने की बजाय तुम इस आले और निखिल के साथ उसकी मौत की प्लानिंग कर रही हो। प्रज्ञा मेरी बात को समझो, मैं भाई को कभी भी मारना नहीं चाहती थी। मैं अब
अपने भाई को कैसे मार सकती हूँ? मुझे पता है ना, तुम लोगों ने मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल की ताकि मैं मर जाऊँ। लेकिन हमने भाई को मारने का प्लान नहीं बनाया था, हमने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। उस गाड़ी के हमने ब्रेक फेल किए थे जिसमें तुम टारगेट थी, भाई नहीं। आई स्वेयर प्रज्ञा, हमारी बात का विश्वास करो, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई वहां पर तुम्हारे साथ में होंगे। हमें तो लगा था कि भाई दिल्ली में है और तुम उस लोनावला वाले बंगले में हो। प्रज्ञा, लोनावाला जो हमारा क्वार्टर है ना, वहां पे है। काजी, अगर अभी दिल्ली में है तो दी वहां पे लोनावला में क्या कर? एंड मोमेंट पर तुम्हारी जगह भाई उस गाड़ी में बैठ गए और भाई की गाड़ी उस खाई में चली गई और भाई का एक्सीडेंट हो गया। और ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है। उस गाड़ी में मेरे भाई को नहीं तुम्हें होना चाहिए था प्रज्ञा, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी तो तुम मच गई और मेरा भाई वहां पर मर रहा है। मेरी किस्मत अच्छी, मेरे से बुरी किस्मत तो किसी की भी नहीं है। और अगर साथी नहीं था तो उस दिन क्यों नहीं साथ छोड़ सकती थी मेरा किस्मत? हर औरत अपनी मांग में कुमकुम अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए लगाती और मैंने कुमकुम लगा के अपने पति को मौत के पास भेज दी। मैं अपनी पूरी उम्र उनके नाम कर दूं लेकिन हर बार मेरे हाथों मेरी मौत उनके नाम हो जाती है। मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, गाड़ी में होने नहीं मुझे होना चाहिए, मर जाना चाहिए था मुझे, मर जाती। प्लीज संभालिए अपने आप को। ये लोग जो दूसरों का ना दुख देख सकते हैं ना दर्द देख सकते हैं, वो उसे महसूस क्या करेंगे? इन दोनों के मुंह रुकने का कोई फायदा नहीं। आप चलिए यहाँ से, प्लीज चलिए। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों को वाकई उनकी तकलीफ महसूस हो रही है या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो तकलीफ मैं तुम दोनों को देने वाली हूँ वो जरूर महसूस होगी। सिर्फ उनके ठीक हो जाने की देर है, उसके बाद तुम दोनों की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होगा। आज से पहले तुम दोनों ने जो कुछ भी किया ना, सब माफ है तुम दोनों को। आज मेरे पति के साथ जो तुम दोनों ने किया है ना, उसकी ऐसी सजा मिलेगी तुम दोनों को कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। कोस रही थी मैं खुद को कि मैं बच गई, लेकिन शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बचा दिया। तुम दोनों मेरे हाथ से ना बच पाओ। मिसेस मेहरा, आपके हस्बैंड का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। डॉक्टर सर, मेरा बच्चा कैसा है? मेरा अभी कैसा है? जी नहीं, वो अभी भी बेहोश है पर खतरे से बाहर है। रची डॉक्टर, वो खतरे से बाहर। थैंक यू सो मच, आपने उनकी जान बचाई। देखिए, सारा क्रेडिट मुझे मत दीजिए। जितनी कोशिश हमने उन्हें बचाने की उससे कहीं ज्यादा आपने की। ये आपका प्यार, आपका भरोसा था, आपकी जिद थी कि मुझे अपने पति को कुछ नहीं होने देना। वरना हम तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे। In fact, we declared him dead. पर जैसे आपने यमराज से लड़कर अपने पति की जान बचाई, इसी अपने के लिए इतना प्यार इतना भरोसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। खैर, खून बहुत ज्यादा बह चुका और चोटें भी काफी आई, इसलिए हमें बहुत सारे टाके लगाने पड़े। चांस बहुत कम थे पर आपने हमें ही नहीं बल्कि अपने पति को भी हिम्मत दी। दादी जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको इनके जैसी बहू मिली। इनकी वजह से आज आपका बेटा जिंदा है। जब तक ये आपके बेटे के साथ हैं, आपके बेटे की उम्र कम नहीं होगी बल्कि उम्र बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, हम एक बार उनसे मिल सकते हैं? हाँ, हमें मिलना है उनसे। हाँ डॉक्टर, एक बार अभी से मिलने दीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, लेकिन एक बार हम मिल लेंगे अभी से तो हमें और ज्यादा तसल्ली मिल जाएगी। मैं सबको अंदर जाने नहीं दे सकता,
केवल मिसेज मेहरा को अंदर जाने की परमिशन दे सकता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। हमने उन्हें अभी आईसीयू में शिफ्ट किया है, होश आने में उन्हें टाइम लगेगा, सो प्लीज आप उन्हें सिर्फ देखिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके ओके डॉक्टर। इतना मैं प्यार करां, एक पल विच साबार करां, तू जावे जे मैनु छड़ के, मौत दा इंतजार करां, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। जी किससे पता करें? अरे वो देख, वो लोग उधर है, चल। वो मुझे पूरब ने बताया कि अभी का एक्सीडेंट हो गया, तो अभी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, वो ऑपरेशन हुआ है ना, पर अभी वो बेहोश है। मामा पर आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है, जल्दी ठीक हो जाए। जिसके पास सावित्री जैसी पत्नी हो उसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। अभी अगर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से। डॉक्टर ने खुद बोला कि अभी को हमने नहीं उसकी पत्नी ने बचाया है, उसके हिम्मत, उसके प्यार और हौसले ने उसको जिंदा रखा, नई जिंदगी दी है उसको। भगवान करे ऐसी पत्नी हर एक को मिले, और आप जैसी माँ भी सबको मिले। ये आपके दिए हुए संस्कार ही थे कि प्रज्ञा ने मरते दम तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, खुद एक्सीडेंट वाली जगह पे गई, उसको ढूंढा, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आई। आज अगर प्रज्ञा नहीं होती तो शायद हमारे बीच में। नहीं नहीं ऐसी बात आप सोचिए भी मत, मुंह से मत दिखाइए, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है हमारे लिए। हाँ हमारे साथ ही रहे हमेशा, पर दोनों मिलकर रहे। बहुत हो गया, बहुत हो गया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। एक औरत के साथ अपनी हिम्मत के साथ अपने सुहाग का साथ नहीं छोड़ा उसने, और इम्तिहानों की तरह ये इम्तिहान भी उसने पार कर लिया है। पर हे भगवान, अब उसको और इम्तिहान में मत डालना, अब उसको मिला देना। आपने संस्कार देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब उनको आशीर्वाद दो कि वो दोनों मिलकर रहे, बस मिलकर रहे। यकीन मानिए सुबह के खुलते ही सबसे पहले भगवान से यही मांगता कि मेरे बच्चे खुश रहे, साथ रहे। और आपने भी तो हमेशा प्रज्ञा की हिम्मत बनाई है, हम भी उसका साथ कभी मत देगा, उसकी हिम्मत ऐसे ही बना के रखे। पर बहन जी प्रज्ञा है कहाँ? अंदर गई है ऑपरेशन थिएटर के अंदर,
डॉक्टर ने सिर्फ उसको ही जाने की इजाजत दी है, हम सबको नहीं। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे अपना के मुझे छोड़ के जा रहे थे आप। क्या करते थे उस जिंदगी का जिसमें आप ही नहीं? अब आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। और वो भी कैसे सकता है? आपकी धड़कने तो मुझसे जुड़ी है ना, तो जब मेरा दिल धड़क रहा है तो आपका दिल धड़कना कैसे छोड़ सकता है? लगाऊं